वो क्यों नहीं किसी और को अपना मानना हो। इसका पता तब चलता है जब श्री कृष्ण को निष्कृति सूझी और एक बार कहने लगे अपनी मैया से, अरे मैया जी बता, मैं तो प्यारे लगू तो प्यारे। मैया ने सहज भाव कह दिया, हाय लाला वो तो तू प्यारे लगे, वो क्या दूध प्यारे लगेगा, मुझे तो दूध तेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे दूध दूध के लिए मुझे तू ही प्यारे लगे। भगवान की तो बड़ी विचित्र लीला है, उधर दूध गर्म हो रहा था वो निकटने का, और कन्हैया की गोद में बात कर रही थी, छोड़ कर रही भाभी दूध के लिए, जब उधर दूध संभाल लेंगे इधर उसने बात छोड़ दिया, जब इधर आई उधर तोड़ दिया। अब तो मैया को बड़ा क्षोभ हो गया, हाय 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 हाय। अब देखिए क्षोभ में भी एक बड़ी गहरी बात, ये नहीं कि मेरा नुकसान हो गया, हाय इसने मार छोड़ दिया, मक्खन निकला नहीं, अब जाने माखन कहां से दूंगी, यानी वो जो उनको क्षोभ है उसके मूल में दिशा क्या है, अब तुझे माखन कहां से दूंगी बता लाला, तेने भी मार तोड़ दिया, तेने से दूध फैला दिया, अब बता कहां से तुझे दही दूंगी, कहां से तुझे मलाई दूंगी, कहां से तुझे माखन दूंगी, अब तो लाला को माखन नहीं दे पाऊंगी, इस क्षोभ से चोभित है और इतनी चोभित हो गई कि लगी उसको पकड़ने, जब पकड़ने को दौड़ी ब्रह्म को कौन पकड़ पाया महाराज, यहाँ देखो यहाँ भी बड़ा भारी श्रम से भी है, जब तक श्रम है तब तक देह अभिमान है और जब तक देह अभिमान है तब तक परमात्मा पकड़ में नहीं आता। अब पकड़ने चाहती है पकड़ नहीं पाती, श्रमित हो गई थक गई, तो श्री कृष्ण सोचा हाय हाय मेरे ईश्वर को दिखा है, हाय हाय मैंने अपनी मैया को कितना श्रम कर दिया। सब लगे कहने मैया तो थक बता मारे ही तो है, देखिए जो इसके भय से देवता भयभीत होते हैं, आज प्रेम से विवश होकर श्री कृष्ण अपनी मैया के भय से भयभीत है। ये बोली ना लाला मैं ना मालूम तो पूछू भी मालूम ही ना होता है मारे की सुना, अब मतलब क्या, अब उन्हें ईश्वर पर लज्जा आती है, हाय हाय मेरी मैया और मेरे द्वारा श्रमित हो जाए। भगवान में बड़ी गहरी करुणा रहती है, मैं भी यह दूसरा होता मारे की सुना है नाम आदमी तो ऊपर से कहती है भीतर तो शोभित है, और जब श्री कृष्ण को पकड़ लिया तो कहे आलाला आपसे पूजा करूंगी, क्या क्या देख तेरे मेरे इतने पुराने बर्तन तोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ऊपर से वो ही बात कहेगी जैसे मामूली स्त्री कहती है, और भीतर से अब बता दारी के तो माँ का कहां से लो, तो ये कहां से करो, और लेकर के तू बहुत लड़ाई करने लगा है या तेरे बांधो और तो बांध, वहां भी थोड़ा ईश्वर की झलक है, दूरस्थ जाए वो छोटी पड़ जाए। फिर जब मैया दीर हुई तो फिर उनको अपने ईश्वर पर लग जाए और वो फिर बंद जाए, बंद गए प्रेम में, बंद गए तो बंद गए, और ये समाचार की गोपियों ने सुना, सारी गोपियां दौड़ कर आ गई, हाय हाय यशोदा तुम्हें क्या सूझी है, हाय हाय ऐसे कोमल कोमल हर जाओ जाओ जाओ, आई बड़ी कोमल कोमल हाथ मारी तुम्हें मेरे लाला बिगाड़ो है, तो छोड़ने लगी जा जाओ तुम्हें अपने अपने खत्म खुद के सौ मिलने जो लाला को छोड़ो। गोपियां कहने लगी या हमने तो अपने करके श्री कृष्ण के सिवा और किसी को माने नहीं, बाहर हो गए खबर को ये उत्तर है उनका, खसम पति पुत्र तुम्हें अपने अपने पतियों की हस्बैंड और तुम्हें अपने पुत्रों की कसम है कि लाला को खोलो, तुमने मेरे लाला बिगाड़ दिया है, तुमने हिट कर दिया है और ये कर दिया है, ये देख माँ को सुनता है, तो
जब खुलने लगी बड़ा बड़ा सुंदर पद है, कृष्ण ही तेरी माई सुदास, गोपियों से श्री कृष्ण के हाथ बने हुए देखे नहीं जाते। तब भी जब उन्होंने नहीं माना कसम देने पर भी, तूने तुम्हें क्या लाने की स्वागत है जो तुम खोलो। अब तो गोपियां यहाँ के पहा अधीर होकर खड़ी रह गई। जो प्रेमियों पर कोई आपत्ति आती है ना, तो प्रेमियों की तलाश करते हैं, हे बल्लाऊ हो बल्लाऊ हो बल्लाऊ, अरे कहा गोपियों, अरे देखो तो तुम्हारी मैया ने तुम्हारे भैया को बांधा हुआ है। अब जो बदनाम दीने कृष्ण के बंदे में हाथ देखे एकदम अधीर हो गए, तुम लगनार करता है उन्हें एकदम एकदम आया, हाय मैया तू मैया है जाके मैं क्या कहूँ, हाय हाय तेरे मेरे भैया के हाथ तो मेरे सामने बांध दिए, ना जाने कैसा अवतार हूँ, एक संस्कार में सारे संसार को भस्म कर सकूं। भैया देख मुझमें बल भैया से नहीं आता है, तू भैया जाए छोड़ दे, आओ ना शेष अवतार तो बंधु की नहीं मानेगा। अब बलराम जी भी कहे, जब बलराम जी को अधीर देखा तुरंत अच्छा बड़े अधीर हुए। पहले तो कृष्ण को देखकर कहने लगे, एक भैया मैंने तुझे अनेक बार कहा तू भी झूठ पर छोड़ दे, तू लगलाई छोड़ दे, अब तेरे मन की बात हो गई, तुझे मुझे अपने बंदे हाथ दिखा रही है। ये प्रेम हृदय है, प्रिय का दुख प्रेमियों से सहा जाता नहीं। जब देखा बलराम जी भी मोहित हो गए मेरी लीला में, तब उनको चेत दिया, अच्छा भैया अच्छा मैं समझ गया समझ गया। अरे वो कहते हैं मैया तू मैया मैं तो उसे क्या कहूँ, मैं समझ गया तो निर्णय अर्जुन को उद्धार करने के लिए यानी ये खेल करो। इधर मैया काम में लग गई, उधर गोपियां अधीर होकर के व्याकुल होकर चली गई। अवसर पाकर सड़क सड़क कर वो जो दृश्य थे उनका स्पर्श हुआ और जो आवाज हुई तब जल्दी दौड़ा था वापस घर में आए। फिर कहा है वो है क्या गया बड़े, अरे लाला बच्चा हो लाला पर कोई आपत्ति तो नहीं आ गई। महाराज इतने अधीर हो गए नंद जी, हाय हाय लाला तू तो किन्ने बांधा हुआ है, बोले मैया ने बांधा हुआ है। तो अब जब ये सोना जी को चेत हुआ कहने लगे, हाय ये हाथ क्यों नहीं टूट गए, मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया, हाय हाय मैंने अपने लाला को बांध दिया और नंदनी ने कृष्ण को गोद में उठा लिया है। तो फिर जब मैया आई है तो वो यशोदा की गोद में रहे नहीं, मैं दादा मैं बाबा हम तो मैया की गोद में जाएंगे, मैं बाबा मैया गोद में जाएंगे, क्योंकि प्रभु तो प्रेम विवश है, प्रेम के आधीन है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि ब्रज गोपियों के जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण को रस देने की बात है, जब और वो अनेक भाव की गोपियां हैं, कुछ सत्य भाव की हैं, कुछ वात्सल्य भाव की हैं, कुछ मधुर भाव की हैं। आपने सुना होगा कि जब श्री कृष्ण बछड़ा चराने के लिए अपने सखाओं के साथ गए हैं, उस समय श्री कृष्ण ने अपनी मैया से कहा, मैया तुम्हें ये पकवान बना दी। हर एक सखा अपनी अपनी मैया से कहता है, क्या कहता है, तेरी मैया तुझे बनाए गए कन्हैया दादा से, यानी किसी के मन में अपने खाने की बात नहीं है। देखो भैया भक्ति वो जीवन नहीं है जो जीवन से अलग कर दिया जाए। अब हर एक सखा अपनी मैया से कहता है कि मैया तू लड्डू बना दे, तू ये बना दे, तू अनेक पकवान बनवाता है, तू अच्छा दही दे दे, तू अच्छा भात बना दे। कमलाला कहा, बोले कन्हैया खिलाए, यानी सबके मन में श्री कृष्ण को खिलाने की है।
और यह श्री कृष्ण के मन में मैया तू बना दे, हम अपने सखन को खिलाएंगे। कृष्ण के मन में भी अपने खाने की बात नहीं, सखाओं के मन में भी अपने खाने की बात नहीं। इधर गैया क्या सोचती है, अरे कन्हैया हमारा बछड़ा होता और हमारा दूध पीता हमको कितना अच्छा लगता। इधर ब्रज की अनेक गोपी सोचती है, जो सुख मैया यशोदा को है, अरे कन्हैया हमारा लाला होता तो कितना सुख मिलता। एक स्वाभाविक बात है, अभी एक दिन वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की लड़की जमावती कुमार साहब मेरे मित्र हैं और उनके धर्म बंधु हैं उनके परिवार के, तो कहने लगी कि कुमार साहब तो हमारे सगे भैया होते तो अच्छा। क्यों कहने लगी, अब बड़ी पढ़ी लिखी लोग नहीं बड़े व्याकुल होगा। हमने कहा देखो ये स्नेह की महिमा है, ये मानव मनोविज्ञान है कि जो चीज प्यारी लगती है उसको वो अपने अत्यंत समीप देखना चाहता है। तो गैया भी श्री कृष्ण को बछड़ा के रूप में देखना चाहती है, अन्य ब्रज गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने ही लाला के रूप में देखना चाहती है। ये एक मनोविज्ञान है। तो महाराज जब श्री कृष्ण वन में पहुंचे बछड़ाओं को लेकर, तो बछड़ाओं का तो बहाना है, अब सखाओं का दादा देख तू ये खा ले, दादा देख अब हर एक चीज जो जो लाए श्री कृष्ण के मुंह में देते हैं, श्री कृष्ण के मुंह में देते हैं, और कोई कोई सखा तो कभी कहे दादा चखलू छोड़, हाँ दादा छोड़, तो आज आपने मुंह दे, अरे दादा ये तो बहुत ही मिठो है, आधा तुम दे दिया। अब बूढ़े बाबा ब्रह्मा को ब्रह्म हो गया, ये कैसा ब्रह्म है भैया जो ग्वाल वालों का झूठा दही भात खा रहा है, इसे कुछ पता ही नहीं है, कैसा ब्रह्म है। इधर ब्रह्मा जी को हुआ ब्रह्म, उधर सखाओं के मन की भगवान सब कुछ कह सकते हैं, एक बात उनसे नहीं कही जाती और वो क्या, अन्य स्मृति, किसी और की याद, किसी और का संबंध, ये उनसे नहीं कहा जाता। तो सखाओं के मन में बछड़ाओं की याद आएगी, अरे दादा बछड़ा कहाँ गए, क्योंकि हम तो बछड़ा कहाँ गए थे। अब श्री कृष्ण ने देखा, करे भैया ये तो मुझको भूल गए और इनके दिमाग में तो बछड़ा आ गया। कितना नाजुक है प्रेम, कितना कोमल है प्रेम, अन्य की स्मृति सही नहीं जाती। महाराज मैं भी लाऊ, वहां कृष्ण कहा, यहाँ अन्य स्मृति वहां कृष्ण कहा। और महाराज उधर जो बूढ़े बाबा ब्रह्मा थे, उन्होंने सब बछड़ाओं को सब सखाओं को चुरा लिया, चोरी कर ली और एक सुसुक्ति में सुना के चढ़ लिया। तीनों का हाथ ठीक, बोले बाबा तुम भी लगे चोरी करने, तो श्री कृष्ण स्वयं बछड़ा हो गए, सखा हो गए, लकुट हो गए, जैसे थे वैसे। अब में आए, अब सबकी मांग पूरी हो गई, गैयाओं की मांग पूरी हो गई, ग्वाल वालों की मांग पूरी हो गई। ये कृत्य एक वर्ष तक चलता और बूढ़े बाबा ब्रह्मा को वही दिखता रहा कि वही दही बात हो रहा है, वही बछड़ाओं की बात हो रही है। जब ब्रह्मा ने देखा कि तो फिर कोई काम चल रहा है, तब उनको चेताया, खड़े राम राम उससे बड़ा अपराध हुआ। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी स्तुति की है श्री कृष्ण की। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि प्रभु को केवल अपनापन भाता है, प्रेम भाता है, और अपनेपन को निभाने मानने की ताकत आप सबको मौजूद है। और हम आपको क्या बताएं कि जो कोई भगवान को अपना मानता है, भगवान तो उसको अपना करके जानते ही है। वो जो अपनापन है वो भगवान ही निभाते हैं। वही जब तक गुरु में स्वयं प्यार पैदा न हो, जब तक प्रेम आश्रम में प्रेम न हो, तब तक प्रेमी में प्रेम होता ही नहीं। तो भगवान जब ये जानते हैं कि सब मेरे हैं, और प्रेमी लोग मान लेते हैं कि प्रभु मेरे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, तब स्वतः प्रेम का प्रवाह उद्भूत होता है, यानी प्रेम का सागर उमड़ने लगता है। और
जहाँ प्रेम का सागर है वहाँ ज्ञान का प्रकाश भी रहता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम में से ज्ञान को निकाल दिया जाए तो महाराज काम रह जाता है, और ज्ञान में से प्रेम को निकाल दिया जाए तो रजनीश वाला शून्य शून्य अभाव अभाव रह जाता है। तभी तो बेवकूफ भी कहता है कि ब्रह्मानंद और कामानंद एक है। नहीं, वास्तव में आनंद आनंद ब्रह्मानंद है, आनंद प्रेमानंद ही है, चाहे उसे योगानंद कहो, चाहे निजानंद कहो, चाहे प्रेमानंद कहो। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में आप देखेंगे, एक दिन श्री दामा ने कहीं ये सुन लिया कि श्री कृष्ण जो है ये तो पूर्ण ब्रह्म है, बाहर चली हुआ और दूर से चिल्ला रहा, ओरे दादा ओरे दादा। अरे हाँ भैया, जमा तू क्या कहे, ओरे ओरे दादा करो बता दो, बता सारे झूठ तो मैं बोले। कहा भैया मैंने तो त्रिकाल में भी झूठ नहीं बोलता हूँ, तू ठीक बता रहा ना, तो झूठ मैं बोले वो फिर ना दादा मैं झूठ नहीं बोलू। श्री रामा तू बताए तो क्या बात है, ये बता सारे तू ब्रह्म है का? अगर भैया तू ब्रह्म है तो हमें तो डर लगा भैया हम तो ना तेरा खेले। मतलब क्या? श्री कृष्ण ने कहा अरे श्री रामा तू का बात कर रहे, अरे मैं तो तेरो नित्य सखा हूँ, कोई दया नहीं। तो प्रभु भी इस बात को कहते हैं कि तुम मेरे हो, तुम भी मान लो तुम मेरे हो, तो बात है। अब जब श्री रामा ने सुना कि तो मेरा सखा है, भैया मेरा सखा तो मेरे को अत्यंत प्यारा होगा ना, तो इतना गहरा प्रेम उमड़ा श्री रामा के हृदय में, उसे तन की सुध रही न मन की सुध रही, हरे मेरा सखा है मेरा सखा है। और जब प्रेम उमड़ता है तो प्रभु को रस मिलता है, तो प्रभु प्रेम के रस को पाकर विभोर हो गए। उधर श्री रामा प्रेम से विभोर हो गया, क्यों? मेरा है। उस ब्रह्म को प्रेमियों ने अपना करके स्वीकार किया है, ब्रह्म को ब्रह्म करके स्वीकार नहीं किया। हाँ, अन्य लोगों ने ब्रह्म को ब्रह्म करके स्वीकार किया, किसी ने उन्हें अपना स्वरूप करके स्वीकार किया, लेकिन प्रेमियों ने तो उन्हें अपना नित्य संबंधी सखा के रूप में अनेक भाव से उनको स्वीकार किया है। तो मैं उनके प्रेम की क्या आपसे बात करूं। जब बहुत दिन हो गए, और इधर श्री कृष्ण जी एक बात और भी निवेदन कर दूं कि प्रेम का जब प्रभाव बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते जब आम बिछड़ जाता है तब भी वो स्थिति आ जाती है, मानो श्री कृष्ण अलग हो गए, अंतर ध्यान हो गए। क्यों? प्रेम के प्रभाव का प्राबल्य इतना जबरदस्त होता है कि वो मनुष्य अपने को भूल जाता है। ऐसी दशा होती है तब श्री कृष्ण को प्रेम को उत्तर बनाए रखने के लिए लीला सूझती है। अब श्री कृष्ण को क्या लीला सूझी? देखा भैया अब तो हम मथुरा जाएंगे, तो श्री कृष्ण का संकल्प होता है, उधर योग माया सारी तैयारी करती है, तो उधर अक्रूर जी आ गए। जब अक्रूर जी आ गए देने के लिए, तब सारे ब्रज में हाहाकार मच गया। श्री कृष्ण लगे बाबा हमने आपको बहुत दूध खाओ, दही खाओ, माखन खाओ, अब तुम अपनी गई ना संभालो, हम तो मथुरा जाएंगे। ये समाचार ने सुना कहने लगी हाय दादा तू कैसी बात कर रहा है, ये सारी गैया कन्हैया की है, ये सारा दूध दही माखन कन्हैया को है, हाय दादा तू कहाँ जा रहा है। और भैया इतनी अधीर हो गई, इतनी बेचैन हो गई, और कहने लगी है कोई आदमी में जाते हुए कन्हैया को राखे, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं। उधर गोपियों ने सुना ब्रज से जा रहे हैं तो अत्यंत अधीर हो गई, कहेंगे नहीं नहीं उनकी मैया उनको नहीं जाने देंगे, वे सुनते नहीं। और महाराज
जब वो चली थी ग्वाल बाल तो मेरे साथ रहे हैं, जिंदगी भी साथ रहे मजा तक, लेकिन वो पियो तो पलियों से लिपट गए। उत्तर पड़े कहा सुनो पियो, किसी प्रेमी ने पूछा, चर्चा चली है कि प्रेम करना तो तुम प्रेम करती हो, श्री कृष्ण प्रेम नहीं करते, तो फिर आगे बताऊंगा। तो मुझे कहा श्याम सुंदर जो चाहे सोने चाहे, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्हें देखो भी हो, मैं परसों आऊंगा परसों। तो जहाँ की तार रोपियां छली की छली हो गई और फिर से चले गए। एक बार श्री कृष्ण स्वयं भेष बदलकर राधा जी से मिलने आए और आकर कहने लगे, हे किशोरी जी, हमने सुना है कि तुम नंदनंदन को, उस धूर्त को, उस चोर को, उस लंपट को प्रेम करती हो। किशोर जी ने कहा, देवांगना मंदिर गए थे, हे देवांगना, तू बात तो पंडितों पर भी करती है पर निपट गमारी है। अरे देवांगना, मैं नहीं प्रेम करती हूँ, मुझ में प्रेम कहा, प्रेम तो मेरे प्रेमास्पद ही करते हैं। उन्होंने कहा, जब प्रेम करते हैं तो ये बताओ कि जब वो तुमको छोड़कर चले गए थे वन में अकेले, यही प्रेम है? मैंने कहा, नहीं देवांगना, मेरे प्यारे इसलिए मुझे छोड़ गए थे कि और गोपियों के मन में मेरे प्रति कुछ भेद न पैदा हो जाए। तो फिर जब जानती थी छोड़ के चलेंगे इसलिए, तो आप अधीर क्यों होती थी? बोले, ये तो हमारे प्यारे में एक विवेक हरण शक्ति है। बोले, हम ये तो नहीं मान सकते कि तुम्हारे प्यारे तुमको प्रेम करते हैं, हम तो ये तो मानते हैं कि तुम प्रेम करती हो। बोले, नहीं नहीं, मेरे प्यारे ही मुझको प्रेम करते हैं। बोले, अगर तुम्हारे प्यारे तुमको प्रेम करते हो तो तुमको यहाँ बुला सकती हो। बोले, हाँ पर सब बुला सकती हूँ जब तू मेरी सखी बनकर रहे। बोले, हे किशोरी जी, सखी क्या, तुम दासी बना कर रखो, पर ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी कि तुम दो एक हो। ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी कि तुम दो एक हो। जैसे वहाँ उन्हें एकदम जो श्री राधा जी को जो एकदम बड़े हुआ, हे प्राण बल्लभ, हे प्राण बल्लभ, महाराज श्री कृष्ण का जो कपटी भेद था तो बदल गया। अरे यारे आए, हे ललते बता, वो तो कहाँ है मेरी सखी? बोले, तो बताऊ क्या प्यारी जी, बात सखी में से ये सखा निकले। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि प्रेम जो तत्व है ना, वो तो प्रभु का स्वभाव है, ये उन्हीं की देन है। ये मैं सोचिए कि प्रेम मनुष्य की उपार्जित वस्तु है, जैसे ज्ञान उनका स्वरूप है, योग उनकी महिमा है, वैसे प्रेम उनका स्वभाव है। ये योग की विभूति, बोध की विभूति, ये प्रेम की विभूति, ये प्रभु की विभूति है, उन्हीं का अस्तित्व है, किसी और का अस्तित्व नहीं है। तो जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, सारा वृक्ष सूना हो गया, महाराज गऊओं का तृण मुंह में लगाए, निगल नहीं सकती, उगल नहीं सकती, और गोपियों की ये दशा हो गई कि अगर उधर से कोई व्यक्ति आए तो कहाँ से आवा लाला? बोले, मथुरा से। बोले, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं, यानी पथिकों ने राह छोड़ना बंद कर दिया, इधर से कोई आए कहाँ जा रहा है? बोले, मथुरा में जा रहा हूँ। अरे भैया, तू प्यारे से ये कहिए, तू प्यारे से ये कहिए। लोगों ने कहा, तो पागल हो गई है, वैसे रास्ता निकलना बंद कर दिया, अगर ठंडी हवा गोपियों के शरीर को स्पर्श कर जाए, अधीर हो जाए, हाय हाय हवा, तू क्या प्यारे श्याम सुंदर से मिलकर आई है जो इतनी शीतल है, अरे खिले हुए पुष्पों पर दृष्टि पड़ जाए, अरे पुष्प तुम वृथा ही खिलते हो, मकुंद बिना कुंद के काम के, जमुना तुम व्यर्थ ही करती हो, मन तुम व्यर्थ ही हरे हो, क्यों नहीं जल जाते? या तो श्री कृष्ण के वियोग में बिन गोपाल बैरन वही कुंजे, वहां तो बड़ी बुरी दशा हो रही है, और इधर
नंदी जी लौट गए हैं और श्री यशोदा जी ने देखा श्री नंदराज जी आ गए और लाला के बिना आ गए तो सोचने लगी यशोदे कि कृष्ण बलराम के बिना आप प्रवास करके आ गए। नंदी जी समझ गए कि लगी यशोदे ठीक सोचती हो, जब हमारे लाला राम अवतार में बन गए थे तो महाराजा चक्रवर्ती जी ने श्री दशरथ जी ने श्रावण का परित्याग कर दिया था, मुझे भी लाला के वियोग में प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए था। और यशोदे तुम ये नहीं जानती कि जब हमारे लाला राम अवतार में मन से लौटे थे तो उन्होंने महाराजा दशरथ के न रहने का दुख अनुभव किया था। यशोदे कभी कन्हैया ब्रज में आए और उसे मेरे न रहने का दुख हो उसे नहीं सहा जाएगा। ये अभागे प्राण इसलिए है कि लाला को मेरे जीव का दुख न हो। प्रेमी ये भी नहीं चाहते कि प्रेमास्पद को हमारी याद आ जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी याद से जैसे हम बेचैन हैं, हम विचित हैं, वैसे हमारे प्यारे हमारी याद से विचित न हो। तो प्रत्येक दशा में को रस देने की लालसा ही प्रेमियों के जीवन में रहती है। आप जानते हैं इधर क्या है, सारा दिन बीतता है, सारी रात बीतती है, किस बात में, कन्हैया को सूत के झाग रखूंगी, दही रखूंगी, माखन रखूंगी, ये रखूंगी, वो रखूंगी। यशोदा सारा दिन सारी रात कन्हैया की प्रतीक्षा में, कन्हैया की सेवा सामग्री में लगी रहती है। उधर क्या कहता है, हाँ भैया उधर बोलता ब्रज की ब्रज से आ रहे, क्यों महाराज का बात है, क्यों ब्रज की सुधे आ रहे। भैया जब से मैंने ब्रज छोड़ा है किसी ने कनुआ कहकर नहीं बुलाया, किसी ने दूध के झाग नहीं दिए, किसी ने गुंजा की माला नहीं पहनाई, किसका मन है। योगियों ने मन का निरोध किया और विवेकियों ने मन को बाधित किया, किंतु प्रेमियों ने अपने पास अपना मन नहीं रखा। तो मैया यशोदा का मन कन्हैया के पास है। आप जानते हैं जिसके पास मन होता है उसी में रुचि पैदा होती है, उसी को नहीं याद आती है। और इधर सब बेमन के हैं, सब भाव समाधि में, प्रेम के प्रवाह में सब डूबे रहते हैं। ये प्रेम जो होता है ना, इससे देश काल की दूरी कुछ नहीं होती। प्रेमी कहाँ है, वो किसी उर्दू वाले शायर ने कहा है, वो कशिश दिल में तो फर्क और विपत्ति कुछ नहीं। अगर दिल में कशिश हो तो दूरी कुछ अर्थ नहीं रहती, जर्रे में खींचा है कहके महर की तस्वीर को। जूलियस जगह होता है चमकीला, सूर्य बहुत दूर है तो सूरज चंद्रमा बिल्कुल एक हो जाते हैं। इसी तरह से प्रेम में दूरी नहीं रहती, भेद नहीं रहता, भिन्नता नहीं रहती और प्रेम का प्रवाह कभी पूरा नहीं होता, कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं। इधर गोपियों के जीवन में जो प्रेम का प्रवाह है वो श्री कृष्ण से अभिन्न है। इधर श्री कृष्ण में जो प्रेम है वो गोपियों से अभिन्न है, लेकिन द्वार से वो अलग है, वो अलग है। किसी ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों 5 मिनट में ये पूरा करेगा, 6:30 होएगा, अरे हाँ आप तो अच्छा ये बात बंद करते हैं, बंद करता हूँ, नहीं 5 मिनट में। तो गोपियों ने कहा किसी बुद्धिमान नहीं, अरे गोपियों तुम बड़ी बाबरी हो, बड़ी पागल हो, अरे भसू खाए की भी दिन रात हाय श्याम हाय श्याम सुंदर बेचैन रहती हो, व्याकुल रहती हो, क्यों नहीं मथुरा चली जाती, मथुरा कुछ दूर है क्या। गोपियों ने कहा भैया तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, प्यारे श्याम सुंदर के बिना हमें चैन नहीं है, हमें हम अधीर है, हम बेचैन है, हम व्याकुल है और हम जानती हैं कि मथुरा दूर नहीं है। पर भैया एक बात तो बताओ, अगर उनके मन में अलग रहने की है हम कैसे जाए, हम कैसे जाए। मैं आपको क्या निवेदन करूं,
इस चर्चा में समय बड़ा बाधक होता है, मैं आगे कह नहीं पाऊंगा।